अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यास्मीन के किचन में आपको माहीन खुश आमदीद कहती हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन और वेजिटेबल फ्राइड राइस। हमने यहाँ पे 3 ग्लास चावलों को बॉईल करके रख लिया था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च रखी है, तकरीबन 4 अदद यहाँ पे क्यूब्स में काट के। चिकन मैंने, मेरे पास जितना अवेलेबल था आधा किलो, मैंने उस हिसाब से इसमें चिकन बॉईल की करके रखा है। गाजरों को छोटा छोटा क्यूब्स में काटा हुआ, तकरीबन आधा किलो गाजरें हैं। इसके साथ बंद गोभी, 1 अदद बंद गोभी है, छोटे साइज़ का, आप कोई भी बंद गोभी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मटर भी बॉईल किए हैं, साथ मैंने मकई को भी बॉईल किया है, तकरीबन 1-1 कप। अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन अवेलेबल है आप वो भी एंड पे ऐड कर सकते हैं, और एग भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो चीज़ें अवेलेबल है मैं उनकी आपको फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी। अभी हम सबसे पहले देगची के अंदर हम डालेंगे गाजरें, और इसको 5 मिनट के लिए हम हल्का सा इसको आँच देंगे। जी नाजरीन, अभी हमने जो गाजरें कटिंग की हुई थी, अभी हमने 2 चम्मच ऑयल डालकर गाजरों को थोड़ा सा आँच देनी है, तकरीबन 5-1 मिनट। और आपने आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि गाजरें छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग हुई हुई है जो बहुत जल्दी सिकुड़ जाएंगी। तो आप हल्की आँच में इसको रखें, और फ्राइड राइस में कोशिश कीजिए कि जितनी वेजिटेबल्स आप ऐड कर रहे हैं वो ज़्यादा नरम ना हो, उनको थोड़ा सा क्रंच उसमें होना बहुत ज़रूरी है, तो आपके फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनेंगे। अभी हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए इसको 5-1 मिनट रख देते हैं, ताकि इसके अंदर भाप बन जाए और थोड़ी सी गाजरें हमारी सेट हो जाए। फिर इसमें हम शिमला मिर्ची ऐड करेंगे। नाज़रीन, ये गाजरें हमारी तकरीबन 5 मिनट में थोड़ी सी रेडी हो गई हैं। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास शिमला मिर्चें हैं इनको मैं इसमें डाल के फिर 5 मिनट्स के लिए देगची का ढक्कन दे के हल्की आँच पे इसको रख दूँगी। आपके सामने इसलिए नहीं डाल पा रही क्योंकि मोबाइल मैं आपके लिए वीडियो खुद से बना रही हूँ, इसलिए डाल के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कैसे डालेंगे। इसमें मैंने शिमला मिर्चें ऐड कर दी हैं। गैस की लोड शेडिंग की वजह से मैंने सिलेंडर पे अपने खाने को तैयार करने के लिए रख दिया है। आप भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर रखें, ताकि सर्दियों के मौसम में आपको पता है कि गैस की लोड शेडिंग ज़रूर होती है, तो आप अपने लिए कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर रखें ताकि आपके खाने बनाने में कोई भी खलर ना पैदा हो सके। अब मैंने शिमला मिर्चें इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसके ऊपर ढककर इसको रखूँगी। इसमें से भीनी भीनी सी मज़े की खुशबू आ रही है शिमला मिर्चों की। आपको तो पता है शिमला मिर्चों का टेस्ट और उसकी खुशबू कितनी ही मज़े की होती है। और ये देखिए कितनी कलरफुल हमारी वेजिटेबल हैं। हम इनको ज़्यादा गलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने गला दिया तो इसके कलर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो भी मान पड़ जाएंगे। और याद रखिए कि फ्राइड राइस बनाते हुए हम ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम रखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाले थे, उसी में हम इसी ऑयल के अंदर हम सारी वेजिटेबल्स करेंगे, और इसमें जो हमने चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता देती हूँ। इसमें हम काली मिर्ची ऐड करेंगे पिसी हुई, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करूँगी। काली मिर्चों के साथ वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्चें जो होती हैं वो आप पिसी हुई भी मिल जाती हैं, साबुत भी मिल जाती हैं, आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ इसमें चाइनीज़ नमक जाएगा। काफ़ी लोग इसमें जो सोया सॉस होता है वो ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। अगर आपका दिल हो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे चावलों का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैं वो ऐड नहीं करती। साथ इसमें आम जो हमारा नमक होता है नेशनल का, वो भी इसमें साथ ही साथ जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। तो अब ये शिमला मिर्चें हमारी काफ़ी हद तक सेट हो गई हैं। अब इसमें हम बंद गोभी ऐड करेंगे। मैं साथ ही साथ आपको बताती जाऊंगी, ये हमारे पास बंद गोभी है जो मैंने बारीक बारीक काट के रखी थी। तकरीबन एक छोटा फूल आप ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा फूल ना लें, छोटा फूल आप लेंगे तो उसमें
आपके जो ये पत्ते हैं ये ज़रा अच्छे अच्छे होंगे छोटे वाले फूल में। तो ये हम बंद गोभी ऐड कर रहे हैं, आपको भी ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि जब जैसे ही ये थोड़ी सी नरम होती है तो ये थोड़ी लगना शुरू हो जाती है। अब इसको हम ऐड करने के बाद बंद गोभी चूँकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसको भी हम फ्रेश फ्रेश रखेंगे, ज़्यादा इसको हमने गलाना नहीं है। और साथ ही हम इसमें बाकी चीज़ें भी इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। हमने ये जो मटर और बॉईल करके रखे हुए थे, हमने छल्ली जिसको कहते हैं कॉर्न, इसको भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स देख सकते हैं आप, इसमें मैंने कॉर्न भी ऐड कर दिया है, जो मटर बॉईल किए हुए थे वो भी ऐड कर दिए हैं, चिकन भी इसमें ऐड कर चुकी हूँ और बंद गोभी भी। अब ये आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल हो गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अंडा पसंद करते हैं तो आप 2 से 3 अदद अंडों को फेंक के उसको अलग से बना के फिर इसमें ऐड कर लें, और अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन अवेलेबल हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी काट के आप बिल्कुल एंड पे जब हम इसको दम देंगे चावलों को, हमने ज़्यादा देर फ्राइड राइस को दम नहीं देना होता, जब हम लास्ट पे दम देंगे चावल ऐड करने के बाद आप ग्रीन ऑनियन को ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इस वजह से मैं नहीं डाल रही। अब मैं इसमें आपको मसाले डालना बताऊंगी कि आप कितने कितने मसाले डालेंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी आँच हम इसकी ज़्यादा कर देंगे। में जो रेड कलर गाजरों का और जो हमने रेड शिमला मिर्चें ऐड की थी उसका जो रेड कलर है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम मैं आपको बताऊं कि इसमें नमक जो है, जो हम आम नमक इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें ऐड कर रहे हैं अपने जायके के हिसाब से। या मेरे पास चाइनीज़ नमक है, ये ऐड करेंगे, सिर्फ चाइनीज़ नमक, बाकी मसाले वैसे ही पड़े हैं, सिर्फ चाइनीज़ नमक ऐड करेंगे। और ये काली मिर्चें मैंने अभी फ्रेश पीस के रखी हैं, इसको ऐड करेंगे। और ये हमारे पास वाइट पेपर है पीसी हुई, आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएगी, ये हम मैं अपने जायके के हिसाब से ऐड करूँगी। अब मैं अपने जायके के हिसाब से ये मसाले ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची। इसके अलावा आपने सुर्ख मिर्चें बिल्कुल ऐड नहीं करनी क्योंकि ये चाइनीज़ रेसिपी है, इस वजह से हम इसमें जस्ट यही मसाले ऐड करेंगे। इसमें मसाले ऐड कर दिए जो मैंने आपको बताए थे, काली मिर्चें, वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, चाइनीज़ नमक और नेचुरल का सादा नमक, वो मैंने इसमें अपने जायके के हिसाब से ऐड कर दिया है। अगर आप काली मिर्चें ताज़ी कूटें तो उसको ज़रा एहतियात से डालिएगा क्योंकि वो तेज़ होती हैं। अभी मैं इसको ढक के तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको आंच दूंगी, फिर इसमें हम फाइनल राइस हैं जो हमारे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे और हमारे मज़ेदार से फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन ये देखें, वेजिटेबल्स जो हमारी हो गई थी उसमें हमने बॉयल राइस करके उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। आप चावल ज़्यादा हो तो आप थोड़े थोड़े चावल डालें और उसको साथ ही साथ मिक्स करते जाएं, एक ही दफ़ा चावल मत ऐड कीजिएगा वरना इस तरह आपके चावल भी ख़राब होंगे। देखिए कितना अच्छा कलरफुल इसका आ रहा है टच, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। कोई मिर्चे कोई कुछ नहीं, चाइनीज़ डिश है। अब हम इसको ढक देंगे, कपड़े से नहीं ढकेंगे क्योंकि फ्राइड राइस को दम नहीं दिया जाता वरना इसके चावल बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और फाइनल हम आपको इसमें डिश आउट करके दिखाएंगे। नाज़रीन वेजिटेबल्स हमारी हो गई थी तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके चावल ऐड करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। चावल हमने बॉयल जो किए थे वो हमने तकरीबन ठंडे हो गए थे, ठंडे जब हो जाएं तो आपके चावल ज़रा अच्छे तैयार होते हैं। अब ये मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। नाज़रीन ये देखें, वेजिटेबल्स जो हमारी हो गई थी उसमें हमने बॉयल राइस करके उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। आप चावल ज़्यादा हो तो आप थोड़े थोड़े चावल डालें और उसको साथ ही साथ मिक्स करते जाएं, एक ही दफ़ा चावल मत ऐड कीजिएगा वरना इस तरह आपके चावल भी ख़राब होंगे। देखिए कितना अच्छा कलरफुल इसका आ रहा है टच, और खाने में भी बहुत टेस्टी है।
कोई मिर्चे कोई कुछ नहीं, चाइनीज डिश है। अब हम इसको ढक देंगे, कपड़े से नहीं ढकेंगे क्योंकि फ्राइड राइस को दम नहीं दिया जाता, वरना इसके चावल बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और फाइनल हम आपको इसमें डिश। नाज़रीन, फ्राइड राइस और जल फ्रेज़ी तैयार है और अब मैं इसको मज़े ले लेके खाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।